अभी कुछ दिनों पहले इंडिया में चाइना के 59 ऐप बैन कर दिए गए थे और उन सभी ऐप्स को आपने अपने फ़ोन से डिलीट भी कर चुके होंगे। उन सभी ऐप्स को डिलीट करने के बाद अगर आप ये समझते हैं कि आपका फ़ोन सेफ और सिक्योर है तो आप गलत समझते हैं। जी हाँ, फ्रांस के एक साइबर सिक्योरिटी एवेना के मुताबिक गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध 25 ऐसे ऐप्स का पता लगाया है जो आपका डेटा लीक करते हैं और उनका गलत इस्तेमाल करते हैं, और इन 25 ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से बैन कर दिया गया है। लेकिन ये अब भी आपके फ़ोन में हो सकते हैं क्योंकि इन ऐप्स को लाखों बार डाउनलोड किया जा चुका है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल द टेक्निकल हाउस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। जो 25 ऐप्स मैं आपको बताने वाला हूं, उन सभी ऐप्स को गूगल ने गूगल प्ले स्टोर से बैन कर दिया है। ये ऐप्स इतने ख़तरनाक हैं कि आप अपने फ़ोन में क्या कर रहे हैं ये ऐप्स आसानी से पता कर सकते हैं। जैसे अगर आप फेसबुक ओपन कर रहे हैं तो फेसबुक के मेन पेज के ऊपर फेसबुक का एक फेक पेज क्रिएट कर देते हैं और आपके फेसबुक का यूजर आईडी पासवर्ड चुरा सकते हैं। आपको लगेगा कि आप फेसबुक के मेन पेज पर यूजर आईडी पासवर्ड डाल रहे हैं, लेकिन वो फेक पेज रहेगा और ये सभी ऐप्स कई सारी जानकारियाँ चुरा सकते हैं और इन सबसे बढ़कर आपका बैंक अकाउंट भी खाली कर सकते हैं। चलिए हम बताते हैं उन सभी ऐप्स के बारे में। सुपर वॉलपेपर फ्लैशलाइट, पेडिनेटिव वॉलपेपर लेबल, कंटोर लेबल वॉलपेपर, आई प्लेयर एंड आई वॉलपेपर, वीडियो मेकर, कलर वॉलपेपर्स, पेडोमीटर, पावरफुल फ्लैशलाइट, सुपर ब्राइट फ्लैशलाइट, सुपर फ्लैशलाइट, सॉलिटेयर गेम, एक्यूरेट स्कैनिंग और क्यूआर कोड, क्लासिक कार्ड गेम, जंक फाइल क्लीनिंग, सिंथेटिक जी, फाइल मैनेजर, कंपोसाइट जी, स्क्रीनशॉट कैप्चर, डेली हॉरोस्कोप वॉलपेपर, वुक्सिया रीडर, प्लस वेदर, एनिमी लाइव वॉलपेपर, आई हेल्थ स्टेप काउंटर, com.tqyfiction। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।